वेलकम टू राजसूटीज यूट्यूब चैनल। हम आज आपको बताएंगे भारतीय मेंढक यानी कि राना टिग्रीना के बारे में। तो राना टिग्रीना का वर्गीकरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका जगत क्या है, समूह क्या है, वर्ग क्या है, गण, कुल, वंश, जाति क्या है। तो हम बात करेंगे आज कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जीव राना टिग्रीना यानी कि भारतीय मेंढक है या और कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारतीय मेंढक यानी कि राना टिग्रीना के बारे में। तो राना टिग्रीना जल तथा स्थल पर जीवन यापन करने के लिए, इसका शरीर जल तथा स्थल दोनों के लिए बहुत ही अनुकूल बना रहता है, जो कि नौकाकार रहता है। ये ज़्यादातर नदियों में, तालाबों में, पोखर में, अन्य जलाशयों में पाए जाते हैं। ये दिनचर प्राणी हैं। ये कीट भक्षी हैं और असमतापी जंतु हैं, यानी कि ये कीड़ा मकोड़ा भी खाते हैं और इनका कोई निश्चित तापमान नहीं रहता। ये किसी भी तापमान में रह सकते हैं। इनका शरीर सिर तथा धड़, यहाँ से धड़ दो भागों में बटा रहता है। इनकी कोई गर्दन नहीं होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत से इंसान भी मोटे हो जाते हैं तो उनकी गर्दन नहीं जान पड़ती है। शरीर के पृष्ठ तल पर गहरी धब्बेदार तथा अधर तल पर हल्के पीले रंग की, यहाँ पर हल्के पीले रंग की त्वचा होती है, जबकि ऊपर जो होती है वो धब्बेदार जो है त्वचा होती है। त्वचा इसकी जो है नरम होती है और चिकनी तथा लसलसी होती है। अगर आपने कभी पकड़ा होगा मेंढक या पकड़ के देखें, मेंढक की त्वचा बहुत ही लसलसी होती है। इसका सिर का जो अगला सिरा होता है, तुंड जिसे हम कहते हैं, ये नुकीला होता है और इसके सिरे का बाह जो नासारंध्र होते हैं, जो इसके जो सिरे पे होते हैं वो नासारंध्र होते हैं, यानी कि नाक के छिद्र होते हैं। सिर पर एक जोड़ी उभरे हुए नेत्र होते हैं, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं, और इसके पीछे अंडाकार कर्णपट यानी कि कान के पट होते हैं, और इसका जो मुंह होता है एक कर्णपट से दूसरे कर्णपट तक जुड़ा रहता है। इसका मुंह इतना फैलता है। धड़ में दो जोड़ी टांगे होती हैं। अगली जो टांगे होती हैं वे छोटी होती हैं तथा पिछली टांगे जो होती हैं वे बड़ी होती हैं। जो पिछली टांगे होती हैं वो जेट की तरह बनी हुई होती हैं। अगले टांगों में चार उंगलियां होती हैं तथा पिछली टांगों में पाँच पाँच उंगलियाँ होती हैं। इनकी पिछली टांगें जो कि लंबी होती हैं, इनमें पादजाल होता है और इनके पीठ के ऊपर एक कुबड़ बना रहता है। इनका जो श्वसन होता है वो फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा तथा नाक द्वारा होता है। इनके नेत्रों पर निमेशक पटल होते हैं। और जो मेंढक की जीभ होती है वो आगे से जुड़ी हुई होती है तथा पीछे द्विफलीय यानी दो भागों में ऐसे बनी रहती है। नर तथा मादा ये दोनों अलग अलग बने रहते हैं। जो मादा होता है वो अंडे देती है तथा जल में निषेचन क्रिया करती है, जबकि जो नर होता है उसके वाक कोश होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, जो घोंघा होता है उसका शरीर एक कवच में बना रहता है, जबकि मेंढक का शरीर अस्थियों से तथा उपअस्थियों से बना रहता है, और इसके शरीर में, इसके दिल में, हृदय में दो वेशम, एक आलिंद तथा दो आलिंद तथा एक निलय रहता है। तो मेंढक यानी राना टिग्रीना और टोड में बहुत ही कम अंतर रहता है। टोड के बारे में हम अपनी आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक